हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपको शानदार डिविडेंड देते हैं, और बैंक की एफडी से अच्छा तो आप अगर ये स्टॉक लेके डाल देंगे तो आपको डिविडेंड हर साल मिलता रहेगा। देखिए, मैंने आप सभी के साथ एक कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट शेयर करी थी जहां मैंने आप सभी से पूछा था कि आप किस पे वीडियो चाहते हैं, हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स पे या फिर हाई ग्रोथ स्टॉक पे। तो मैक्सिमम कमेंट्स मेरे पास जो आए वो आए कि दोनों पे प्लीज मेक बोथ, दोनों पे वीडियो बनाने के लिए कहीं ना कहीं क्वेरी आई है, तो मैं दोनों पे वीडियो बनाऊंगा। बट पहली वीडियो मेरी है वो आपके लिए हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स, यानी कि जो डिविडेंड दबाकर आपको बहुत ही शानदार डिविडेंड देते हैं ऐसे स्टॉक्स। एक आध स्टॉक तो 20-20% का डिविडेंड दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एफडी के रिटर्न से ज्यादा तो ये आपको डिविडेंड ही दे देते हैं। तो चलिए गाइस, एक एक करके बात करेंगे इन स्टॉक्स के बारे में, और सबसे ज्यादा खासियत जो है इन स्टॉक्स की, मैं आपके लिए जो स्टॉक लाया हूं वो अंडर 100 है या फिर एकदम 100 रुपए के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक जो आपको डिविडेंड भी शानदार देते हैं और जिनका भाव भी बहुत ही सस्ता है। देखिए, ऐसे और भी स्टॉक है जो अच्छे डिविडेंड देते हैं बट उनका प्राइस 300-350-400 रुपए का है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप वेदांता, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये स्टॉक में जो अच्छे डिविडेंड देते हैं, बट मैं आपके लिए जो स्टॉक लाया हूं वो अंडर 100 रुपीज और या फिर एकदम 100 रुपए के नजदीक है। तो चलिएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके स्टॉक के बारे में शेयर करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है प्लीज कमेंट करिए, या फिर किसी चीज पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा, बट हाँ, आपके लिए बनाऊंगा जरूर। गाइस, एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक जब मैं आपके लिए ढूंढ रहा था तो मैंने देखा कि ये स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम पे प्रोवाइड हो रहे हैं आपको। वैल्यूएशन वाइज वैल्यूएशन भी इनके बहुत ही रीजनेबल है, और आपको पता है कि डिविडेंड अच्छा दे रहे हैं तो सरकारी कंपनी होंगी, सरकारी कंपनी और शानदार वैल्यूएशन पे मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ पहुंचा हूं, वो लेके आया हूं, एक 28 रुपए का शेयर है, शेयर की डिविडेंड यील्ड है 8.5% पर ईयर की, और स्टॉक में डिविडेंड की बात करूं तो 8.36%, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 8.5% का। स्टॉक का नाम है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। शायद आपको ये समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बताऊं, जिसको आप लोग SJVN के नाम से जानते हैं। SJVN स्टॉक 27.90 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अगर इस स्टॉक की बात करूं तो इस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 8.5% की, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। इस स्टॉक की अगर आपको फाइनेंशियल शेयर करूं तो ये स्टॉक आपको बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो इस स्टॉक की 34 पे है, यानी कि ये 34 रुपए का तो मिनिमम शेयर होना चाहिए, यानी कि 0.82% पे इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है अभी, तो एक के नीचे ट्रेड कर रहा है। वॉरेन बफे जी कहते हैं जहां भी एक के नीचे स्टॉक मिले वो खरीद लो, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिसकी 8% की डिविडेंड यील्ड है, 34 रुपए पर शेयर की बुक वैल्यू है, और आपको 28 रुपए पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। अभी मैं दूसरे स्टॉक की तरफ चलता हूं, और दूसरे स्टॉक का नाम है, मैंने आज वीडियो बनाई थी जिसपे, आप शायद अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप समझ गए होंगे, स्टॉक का नाम है सेल स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक है, और स्टॉक की डिविडेंड जो है, डिविडेंड यील्ड जो है वो 8.10%, यानी ये भी एफडी से ज्यादा 8% की डिविडेंड यील्ड है। कंपनी का मार्केट कैप आप देखिए 34,000 करोड़ का है, और डिविडेंड यील्ड मैं आपको बता ही चुका हूं, ये भी प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 110 रुपीज की तो प्राइस टू बुक वैल्यू है स्टॉक की, और अभी आपको 83 रुपीज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। काफी सस्ता स्टॉक है, मार्केट कैप टू सेल्स हाफ है, एंड सॉरी मार्केट कैप टू सेल्स हाफ है, मतलब सेल्स जो है वो डबल है मार्केट कैप के मुकाबले, और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.65% पे ट्रेड कर रही है, एक से नीचे है, ये भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो यहां भी काफी ग्रोथ आपके लिए। थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं गाइस, इस स्टॉक का नाम है IRFC, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस बताऊं तो 21 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है,
और ये कंपनी जब से आई है तब से अभी तक तो आपको पैसा बना के नहीं दिया है इस स्टॉक ने, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपको पैसा जरूर बना के देगा, क्योंकि ये भी अंडरवैल्यूड स्टॉक है। इसकी भी डिविडेंड यील्ड एकदम 8% की है और 21.50 रुपए का शेयर है। तो आप देख सकते हैं जो भी स्टॉक है वो 100 रुपए के नीचे है, और 21.50 वाला शेयर की असली क्या जो प्राइस होना चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो इसका 30 रुपीज का आ रहा है, 0.71 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो ये भी अंडरवैल्यूड स्टॉक है, तो यहां भी आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। 7.5-8% की डिविडेंड यील्ड स्टॉक की, तो ये आपके लिए एक और ऑफर रहेगा IRFC का। अभी चलते हैं अपने चौथे स्टॉक की तरफ जिसका प्राइस 109 रुपीज का है, ये 100 रुपए के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है PFC, लेकिन स्टॉक की डिविडेंड यील्ड जो है ना वो आपके कान खड़े कर देगी। 20% की तो डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक की, और इस स्टॉक की बात करें 108 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अगर मैं इसका भी आपको बुक वैल्यू पर शेयर बताऊं और फाइनेंशियल शेयर करूं तो इसकी बुक वैल्यू पर शेयर तो भाई हाफ पे ट्रेड कर रही है, 0.43 पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। मार्केट कैप स्टॉक का 15,000 करोड़ का है और सेल्स स्टॉक की 70,000 करोड़ की है। देख सकते हैं आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इनफैक्ट सॉरी, मार्केट कैप 28,000 करोड़ का है, पैट 15,000 करोड़ का, यानी कि दो साल का प्रॉफिट कंपनी का पूरा पैट को पार कर देगा। तो आप एकदम मतलब बहुत सस्ता स्टॉक कह सकते हैं, शानदार डिविडेंड यील्ड। तो PFC आपके लिए चौथा स्टॉक। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ, और उस स्टॉक का प्राइस थोड़ा 100 रुपए से थोड़ा सा ऊपर है, और स्टॉक का नाम है REC, PFC का भाई कह सकते हैं आप। रैक लिमिटेड स्टॉक की बात करो, 118 पे ट्रेड कर रहा है, 15% की डिविडेंड यील्ड है, 2 के PE पे ट्रेड करता है। अगर इसकी भी बुक वैल्यू निकाले तो मैंने अभी तक आपको 4 स्टॉक बताए और 4 के 4 अंडरवैल्यूड स्टॉक है, यानी कि बहुत पोटेंशियल या शानदार आपको डिविडेंड देते हैं। अब मैं 5वां स्टॉक रैक, और ये भी आपको काफी लोअर लेवल्स पे मिल रहा है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप, 35,000 करोड़ की सेल्स, 8,000 करोड़ का पैट, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 0.43 पे ट्रेड कर रही है। तो देख सकते हैं कि ये आधे दाम पे मिल रहे हैं आपको एक्चुअल रेट से, और मार्केट हालांकि ये अपने अंडर वैल्यूड ही रहते हैं हमेशा ज्यादातर, बट इन लेवल से आपको ये शेयर जरूर ऊपर आते हुए दिखेंगे, एंड आपकी डिविडेंड यील्ड तो है ही सेफ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 5 स्टॉक, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको ये स्टॉक कैसे लगे, ताकि मैं जब आपके लिए नेक्स्ट हाई ग्रोथ स्टॉक्स पे वीडियो बनाऊं तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।